क्रिएटिन लेने से किडनी ख़राब हो जाती है, हड्डी गल जाती है, डाइजेशन ख़राब होता है, या फिर पर्टिकुलरली ब्लोटिंग होती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? सो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा अपना रिव्यू जो मैं क्रिएटिन लेता हूं, उसके बारे में बताऊंगा और ऑनेस्टली बताऊंगा कि उसका क्या रिजल्ट्स है, क्या रिजल्ट्स नहीं है। बेसिकली सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बेसिकली मिलते हैं, बोलते हैं कि क्रिएटिन लेने से किडनी ख़राब होती है, क्रिएटिन लेने से हेल्थ ख़राब होती है, डाइजेशन ख़राब होती है, बहुत सारी बातें करते हैं। बेसिकली लोग बोलते हैं कि क्रिएटिन यूज़ करो और छोड़ दो तो पंप ख़त्म हो जाता है, मसल गेन ख़राब हो जाता है। तो इन्हीं टॉपिक पे मैं आप सभी से बात करूँगा। अगर आप भी उन लोगों में से हो जो सोचते हैं कि पर्टिकुलरली क्रिएटिन खाने से किडनी ख़राब होती है, हेल्थ ख़राब होती है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आप सभी लोगों के डाउट्स को क्लियर करूँगा और साथ ही साथ मैं बताऊँगा मैं कौन सा क्रिएटिन यूज़ कर रहा हूँ, कब से कर रहा हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से आप सभी को पहले बता दूँ, वीडियो मिस मत करना, क्योंकि अगर आप आधी इन्फॉर्मेशन लेके जाते हो तो उसमें आप लोगों का लॉस है और आप लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। तो वीडियो को पूरी देखना और अपने डाउट्स क्लियर करके ज़रूर जाना, एंड आई होप सो मैं इस वीडियो में आप सभी के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रिएटिन क्या है और क्यों इतना पॉपुलर है। वैसे देखो, क्रिएटिन एक सप्लीमेंट है, नेचुरली हर कोई यूज़ कर रहा है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर रिकमेंड करते हैं कि ये क्रिएटिन यूज़ करो, इसके बहुत बेनिफिट्स है। इसको चाहे नेचुरल वाला हो, चाहे इन्हेंस बॉडी बिल्डिंग वाला हो, हर कोई यूज़ करता है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मैं वीडियो में आगे क्लियर करूँगा। लेकिन मैं सबसे पहले आप सभी को ये बता दूँ क्रिएटिन का क्या काम है, क्या करता है आपके बॉडी में। बेसिकली जब आप क्रिएटिन लेते हो एक टाइम पीरियड के लिए, ऐसा नहीं एक हफ्ते लिया और देख रहे हो कि रिज़ल्ट नहीं आया, नहीं, एक टाइम पीरियड के लिए, जैसे नॉर्मली 3-4 हफ्ते में आपको असर दिख जाता है। तो जब आप इस टाइम पीरियड के लिए लेते हो क्रिएटिन, तो सबसे पहली चीज़ क्रिएटिन आपके बॉडी में जो करता है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। स्ट्रेंथ को बढ़ाता है का मतलब, जैसे आप शुरू के टाइम पे जिम में देखते हो, आप जिम कर रहे हो, आप 5 किलो का डंबल उठा रहे हो, उस पर स्ट्रगल कर रहे हो, 7 किलो का, 10 किलो का आप उठा रहे हो, उस पर स्ट्रगल कर रहे हो, तो उसका क्या मतलब है, आपके बॉडी में जितना स्ट्रेंथ है आप उसको यूज़ करके पर्टिकुलरली उस चीज़ को उठा रहे हो, ठीक है। बट बॉडी की एक लिमिट होती है कि हाँ, जितना आप मेहनत करोगे आपका बॉडी उस लेवल तक इन्हेंस होगा उस चीज़ को करने के लिए। तो आप 7 किलो उठा रहे हो और आप स्ट्रगल कर रहे हो, बट जब आप क्रिएटिन लेते हो ना एक अच्छे टाइम पीरियड के लिए, तो आप देखोगे आपके बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जहाँ 5 किलो उठाने में स्ट्रगल करते थे, वहीं आप 10 किलो बड़े आराम से उठा लोगे। तो क्रिएटिन का सबसे पहला काम है आपके बॉडी में स्ट्रेंथ को बढ़ाना। सेकेंड चीज़ है क्रिएटिन का, जो है स्टैमिना भी इंक्रीज़ करता है। स्टैमिना का मतलब ये है मेरा, कि अगर आप पर्टिकुलरली जिम में 1 घंटे वर्कआउट करते हो, या बहुत सारे लोग होते हैं जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए करना पसंद करते हैं, कोई 2 घंटे करता है, कोई 3 घंटे वर्कआउट करता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्टैमिना। स्ट्रेंथ अलग चीज़ है, स्ट्रेंथ तो हमें पर्टिकुलर कोई चीज़ उठाने में जान चाहिए, उसकी बात है, बस स्टैमिना का मतलब है कि आप कोई चीज़ को कितने देर तक कर सकते हो। तो क्रिएटिन आपकी बॉडी में स्टेमिना को भी इंक्रीज़ करता है, जिससे कि आप जिम में जितना आप टाइम चाहो उतना स्पेंड कर सको। जैसे मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, अगर आप जिम में जाते हो, मैक्सिमम 1 घंटा बहुत है वर्कआउट के लिए, और 1 घंटा जेन्युइन है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा भी करते हो तो भी उसका भी साइड इफ़ेक्ट है, नुकसान है। तो बेसिकली अगर आप क्रिएटिन यूज़ करते हो तो आपका स्टेमिना इंक्रीज़ होता है। थर्ड है जो सबसे बेस्ट है, क्योंकि नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को बहुत दिक्कत होती है कि उनका जो मसल का साइज़ है ग्रो नहीं करता जल्दी, बिकॉज नेचुरली बहुत स्लो, पर्टिकुलरली बोलूँगा बहुत स्लो प्रोसेस है, बट क्रिएटिन यूज़ करने वालों के लिए बहुत सिंपल है। क्रिएटिन आपके मसल में पानी को होल्ड करता है, वाटर होल्ड करता है, जिससे जो आपका मसल है बहुत ज़्यादा पम्प्ड या बहुत ज़्यादा विजिबल होने लगता है, बड़ा दिखने लगता है, और ये नेचुरल है। क्रिएटिन का काम ही होता है आपके शरीर में, आपके मसल्स में वाटर होल्ड करना, जिससे आपका फिजिक इन्हेंस दिखता है। और इस ये फ़र्क आपको मुश्किल से 3-4 हफ्तों में ही दिख जाएगा, क्योंकि नेचुरल और सेफ है ये क्रिएटिन। हम बात करते हैं डाउट्स की। बहुत सारे लोग जो मेरे दोस्त मिलते हैं मेरे को, बोलते हैं कि क्रिएटिन खाने से ये होता है, वो होता है, जैसे कॉमन मिथ है किडनी ख़राब हो जाती है, हड्डी गल जाती है, डाइजेशन ख़राब होता है, या फिर पर्टिकुलरली
ब्लोटिंग होती है। तो मैं आप सभी को क्लियर करता हूँ, सिंपल सी चीज़ है, मैं आपके सामने एग्जांपल बैठा हूँ, लाइव एग्जांपल। मैं क्रिएटिन लगभग साल भर से ज़्यादा हो गया मेरे को यूज़ करते हुए, और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिला है, ना ही मेरा डाइजेशन से रिलेटेड, ना ही मेरे को कोई हड्डी की प्रॉब्लम, ना ही मेरे को किडनी की कोई प्रॉब्लम देखने को मिली है। और ऐसा नहीं है कि मैं मुंह उठा के क्रिएटिन यूज़ कर रहा हूँ, मैंने पहले बहुत स्टडी करी इसके बारे में, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है, बहुत सारे फिटनेस एक्सपर्ट्स को देखा है, तब जाके मैंने इसको यूज़ किया, और बेसिकली मेरे को इसका सबसे ज़्यादा तो बेनिफिट ही हुआ है। और जो किडनी ख़राब होने वाली बात है, ये सब सब बकवास है, सिंपली बता रहा हूँ। और अगर आप लोगों को विश्वास नहीं, आप गूगल भी करके देख सकते हो, गूगल, ऑब्वियसली गूगल से हर कोई सर्च करता है, एक सर्च इंजन है सबसे बड़ा। तो बेसिकली इसका सब, ये सब के सब मिसकंसेप्शन है लोगों के, कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्रिएटिन का काम ही बस ये है कि पर्टिकुलरली आपके मसल को बड़ा दिखाना, स्टैमिना इंक्रीज करना, स्ट्रेंथ को बढ़ाना, और नेचुरल आपके बॉडी में भी क्रिएटिन होता है। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि क्रिएटिन कहीं भी आपके लिए नुकसान वाली चीज़ नहीं है, जब तक आप उसको एक्सेस लिमिट में यूज़ नहीं कर रहे हो। देखो, हर चीज़ का नुकसान है जब आप उसको हद से ज़्यादा कर रहे हो। अगर आप जिम जाते हो, अगर जिम में आप 4-4 घंटे वर्कआउट कर रहे हो ना, तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। रीज़न, उससे आप अपने बॉडी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हो, और पर्टिकुलरली जिससे आपके मसल टियर होते हैं, आपके मसल ख़राब होते हैं। तो वैसे ही बेसिकली अगर आप क्रिएटिन को भी एक हद से ज़्यादा यूज़ करोगे, एक क्रिएटिन का होता है इंसान के बॉडी में कि हम कितना कंजर्व कर सकते हैं, अगर उस लेवल पे करते हो या आप काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो, अगर आप 5 ग्राम करते थे, आपने उसको 7 ग्राम कर दिया, 10 ग्राम कर दिया, इट्स नॉर्मल, वो नॉर्मल है, वो ऑब्वियसली जेनुअनली आपकी बॉडी इंक्रीज़ हो रही है, तो आप उसको और बढ़ाना चाहोगे तो थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि आप दो दो स्कूप, तीन तीन स्कूप लगा रहे हो शुरुआत के टाइम पे और आप खा रहे हो, ऑब्वियसली तब वो आपकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट देगा ही देगा, क्योंकि आप इतना यूज़ कर रहे हो जितना आपकी बॉडी इसको कंजप कर ही नहीं सकती। तो वो अलग ही केस है, वो केस को नॉर्मल केस में हम बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो कि क्रिएटिन खाने से किडनी ख़राब होती है, क्रिएटिन खाने से हल्दी हड जो हमारी हड्डी होती है गल जाती है, या फिर हमारा डाइजेशन ख़राब होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है क्रिएटिन खाने से बाल भी झड़ते हैं, तो आप लोग देख सकते हो, मेरे को काफ़ी सारे व्यूअर्स मेरे बहुत टाइम से देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्रिएटिन से बहुत बेनिफिट होता है। और मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि मैं कौन सा क्रिएटिन यूज़ करता हूँ और कब कब यूज़ करता हूँ, तो बेसिकली, और कौन से मैंने कंपनी के क्रिएटिन यूज़ किए हैं। सो गाइज, ये मेरे पास है मसल ब्लेज का क्रिएटिन, ये क्रियम डैब मतलब मसल ब्लेज का नया प्रोडक्ट है, अभी आया है, और मैं इसको 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ उस वाले को, और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इन्हेंस होकर आया है। और बेसिकली मैं आपको बताता हूँ मैं इसको कब कब यूज़ करता हूँ। बेसिकली गाइज, मैं इसको एज अ प्री वर्कआउट यूज़ नहीं करता हूँ, मैं इसको पोस्ट वर्कआउट यूज़ करता हूँ, और इसका मैं आपको एक साइंटिफिक रीज़न भी दूंगा। बहुत सारे लोग इसको प्री वर्कआउट भी यूज़ करते हैं, दोनों सही है, बट रिजल्ट्स का डिफरेंस रह जाता है, इस वजह से मैं इसको पोस्ट वर्कआउट यूज़ करता हूँ। और कितना लेना है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली अगर आप शुरुआत के टाइम पे हो, अगर आप शुरू कर रहे हो, बेसिकली आप शुरू ही करोगे अब, तो आपको एक एक स्कूप डेली लेना है, और आपने ये देखना है कि आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट्स कब मिल रहे हैं। मैं पर्सनली अपना बताऊँ तो मैं पोस्ट वर्कआउट में लेता हूँ, और इसका साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ आपको। जब आप वर्कआउट करते हो, आपके मसल टेयर होते हैं, और जब आपका मसल टेयर होता है तो उसको रिकवरी की ज़रूरत होती है। क्रिएटिन का ये काम भी होता है कि आपके मसल को जल्दी रिकवर करना, फास्ट रिकवर करना, ठीक है। अब वर्कआउट के बाद इसको लोगे तो आपके जो बॉडी है रेस्ट पोजिशन पर है, अब उसको रिकवरी चाहिए। आप क्रिएटिन यूज़ करोगे ना गाइस, तो जो इफेक्टिवनेस है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो आपके मसल रिकवरी में टाइम लगता था ना, वो कम लगेगा, आपका मसल ज़्यादा जल्दी रिकवर होएगा, और उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। तो ये रीज़न है कि मैं क्रिएटिन को एज अ पोस्ट वर्कआउट यूज़ करता हूँ, और एज अ पोस्ट वर्कआउट यूज़ करने के बाद एक टाइम पीरियड, जैसे आधा घंटा रुक गया, 1 घंटा रुकने के बाद तब मैं अपना आगे का पोस्ट वर्कआउट मील्स लेता हूँ, जैसे खाना अगर डाइट वगैरह मैं ले रहा हूँ वैसे। और बेसिकली मैं नेचुरली कर रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, और ऐसा नहीं है कि क्रिएटिन आपको
एकदम से ही इनहेंस बॉडी बिल्डर बना देगा, बट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और काफ़ी फास्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप बिना क्रिएटिन के वर्कआउट कर रहे हो उससे भी बॉडी बनेगी, लेकिन जितना टाइम आपको नेचुरल बिना सप्लीमेंट के लगेगा उससे काफ़ी कम टाइम आपको क्रिएटिन के साथ लगेगा। और गाइस मैं इसको 1 साल से ज़्यादा हो गया यूज़ कर रहा हूँ, और आप लोग देख सकते हो मेरे को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और मैं हॉनेस्ट पर्टिकुलरली हॉनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। और मेरा ये क्रिएटिन शो करना कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि मैं जस्ट आपके सामने प्रमोशन करके जा रहा हूँ कि मसल बेस का ये क्रिएटिन अच्छा है। नहीं, मेरे को कोई पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, उनका डाउट क्लियर हो क्रिएटिन को लेके, तो इसी वजह से मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ आपने इसको कैसे लेना है। देखो, बहुत सारे लोगों को गलत फहमी होती है ये मेरे को ठंडे पानी में लेना है, गर्म पानी में लेना है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस पे लेना है। बेसिकली नॉर्मल वाटर ही सबसे सबसे बेस्ट नॉर्मल वाटर होता है अगर आप क्रिएटिन पीते हो। आपने क्या करना है, सबसे पहले वर्कआउट के बाद अगर आप लेते हो एज अ पोस्ट वर्कआउट, आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, या अगर आपके पास स्कूपर है, पर्टिकुलरली सिपर जिसे आप पानी पीते हैं वो है, तो आपको 1 स्कूप लेना है, और उससे पर्टिकुलरली वाटर उतना लेना है जितना नॉर्मल आप देख सकते हो, जैसे 200 ml हो गया, 300 ml वाटर ले लिया एक एक स्कूप में। उसको अच्छे से आपको मिक्स करना है, ऐसा मत करना कि अभी मिक्स हुआ नहीं आपने पी लिया, नहीं, उसको अच्छे से डिसॉल्व करना है पानी में, पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए फिर पीना है। तो इससे पर्टिकुलरली आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मैं बात करूँ पोस्ट वर्कआउट के बाद की, मतलब प्री वर्कआउट में जो लोग लेते हैं, बहुत सारे लोगों को स्ट्रेंथ चाहिए होता है, बहुत सारे लोगों को स्टैमिना चाहिए होता है, तो इस थिंकिंग से वो लोग करते हैं, और वो सही भी है। जब आप प्री वर्कआउट ले रहे हो क्रिएटिन को, और एक टाइम पीरियड के बाद वो आपके शरीर को आदत हो जाती है कि हाँ अब प्री वर्कआउट लिया है क्रिएटिन से, तो आपकी पर्टिकुलर बॉडी उस हिसाब से काम करती है कि आपको स्ट्रेंथ, आपको स्टैमिना प्रोवाइड करती है। तो जिनको स्ट्रेंथ और स्टेमिना पर्टिकुलरली इसी पे काम करना है, तो आप प्री वर्कआउट में ले सकते हो इसको, मैं गलत नहीं बोलूँगा। बट अगर आप लोग चाहते हो कि आपको आपकी बॉडी में मसल में असर चाहिए, ज़्यादा इफेक्टिव ग्रोथ चाहिए पर्टिकुलरली, तो आप क्रिएटिन को यूज़ कर सकते हो। जितने भी वीडियोस बनाता हूँ और जितने भी वीडियोस बनाऊंगा आगे, सब में मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिप्लाई करूँगा। अपना कुछ भी प्रमोशन के चक्कर में आप लोगों के हेल्थ के साथ मजाक नहीं करने वाला हूँ। तो बेसिकली प्लीज़ आप लोग जो मेरे वीडियो को देख रहे हो और अभी तक बने हुए हो, मैं आप सभी को यही बोलूँगा थैंक्स कि मेरे वीडियो को आपने पूरा देखा, और बेसिकली जो मैं इन्फॉर्मेशन दिया है आई होप्स आप लोग के लिए यूज़फुल हो। अगर आप इसको करते हो, आई आई गारंटी कि आप लोग मेरे को नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा, आप लोग मेरे को ज़रूर कमेंट में बताओगे कि जो आपने बताया वो यूज़फुल था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज मैं बस आप सभी से ये बोलूँगा कि अगर आप लोगों को कोई डाउट है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप लोग मेरे को कमेंट पे बताओ, 1 कमेंट भी होगा मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, चाहे 10 वीडियो के कमेंट हो तब भी मैं बनाऊँगा। तो प्लीज़ मैं बहुत जेन्युइनली आप सभी से बोलूँगा, आप लोग अपने कमेंट्स बताओ, आपके डाउट्स हैं क्लियर करूँगा बिना किसी इंटरप्शन के। तो चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।